हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम 3.3 कराने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ हमारे जो क्वाड्रिलेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको लगता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें, आपका अभी काम चल जाएगा, लेकिन जब आगे आप जाओगे ना तो आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो अभी से वो चीज़ें सीखते चलें, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते चलें, तो आगे जाके आपको दिक्कत इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन हमारा किस पे बेस है? हमारा क्वाड्रिलेटर पे बेस है, ठीक है? तो क्या स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर? क्वाड्रिलेटर के कुछ स्पेसिफिक टाइप हमारे होते हैं। जैसे हमारा क्वाड्रिलेटर में जो सबसे मेन चीज़ होती है, अगर क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर में ये चीज़ मेन होगी हमारी, क्या होगी? फोर हमारी साइड होंगी, ठीक है? फोर हमारे वर्टेक्स होंगे, फोर हमारे एंगल होंगे, और टू हमारे क्या होंगे? डायगोनल्स होंगे, ठीक है? और अपोजिट साइड होंगी हमारी, टू हमारी अपोजिट साइड होंगी, ठीक है? एडजेसेंट साइड एंगल होंगे, अपोजिट से एंगल होंगे। ये चीज़ें बहुत हैं, तो इनको सभी को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस डायग्राम में अगर हम बात करें, इस डायग्राम की बात करें, थोड़ा सा पतला ले लेते बिल्कुल, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से समझना है। जैसे हमारे ये क्वाड्रिलेटर हमारा आपको दिख रहा हूँ, कौन सा पतला कर दिया भाई? हाँ, ये समस्या बहुत बड़ी है इसमें। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहा ना, तो गौर से देखो, चार हमारे वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है तो चार तो वर्टेक्स होंगे, ठीक है? उसके बाद चार वर्टेक्स के बाद हमारे क्या होंगी? फोर साइड होंगी। साइड हमारी देखो, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थी ये, यानी चार साइड होंगी, क्लियर? यानी अगर आपको ड्रॉ करने की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो फोर हमारी साइड होंगी, और साइड हमारी कौन सी होंगी? देखो, ए बी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, बी सी, सी डी और डी, ये साइड होंगी। अगर वर्टेक्स की बात करूँ, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? फोर फोर वर्टेक्स क्या हो जाएंगे हमारे? क्या हो जाएंगे? ए बी और सी और डी। ध्यान रखना, ये चीज़ तो कंपलसरी है। और आगे क्या चलती है? फोर एंगल होंगे, फोर एंगल, फोर एंगल, फोर एंगल कौन से? इसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ, एंगल ए, ई और एंगल डी, फोर एंगल हो गए। आगे चलते हैं डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होंगे, कंपलसरी हैं, दो डायगोनल। इसमें कौन से डायगोनल है? एक ए सी और दो ना बी डी, दो डायगोनल्स। नेक्स्ट हमारी चीज है एस एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होगी? एडजेसेंट साइड देखो क्या होती, ये तो हमारी क्या होगी? डायगोनल सी बी सी बी सी ए डी ए सी और डी, साइड ऑफ बी सी बी डी ई डी ई डी बी डी, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है? देखो, बी सी और सी डी, बी सी यानी कि बी सी, अगर एडजेसेंट साइड देखे तो ये इसकी एडजेसेंट साइड है, ये इसकी एडजेसेंट साइड। आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही अगर पॉइंट से, मान लो एक हमारा पॉइंट से, एक पॉइंट से दो साइडें जाती हैं, तो इन दो साइड को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये जो होगी, ये दो एडजेसेंट साइड होंगी, इसका पेयर हमारा इसके साथ बनेगा, इसका पेयर हमारा इसके साथ बनेगा, ठीक है? और ये होगी तो इसका पेयर हमारा, इस साइड का पेयर हमारा इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, या इसका पेयर इसके साथ बनेगा, ठीक है? इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा। तो ये हमारी एडजेसेंट साइड है। अपोजिट साइड हमारी ये होती है, अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड, एंगल्स, अपोजिट एंगल, ये हमारी अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ये चीज़ें हमारी कंपलसरी हैं, सीखना ज़रूरी है। आज से अगर पूछा जाए अपोजिट साइड क्या है, तो आराम से क्लियर तरीके के साथ आप बता सको, तो ये हमारी अपोजिट साइड है।
तो ये चीज़ आप हम सीख गए हैं। क्या क्या सीख गए हैं मैं आके नोट कर लूँ, आपको नहीं पता मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या सीखा, साइड के बारे में सीखा, दूसरा वर्टेक्स के बारे में, ठीक है, तीसरा मैंने क्या एंगल के बारे में, और तुम्हारा क्या सीखा डायगोनल्स, डायगोनल्स फिफ्थ हमारा एडजेसेंट, एडजेसेंट सिक्स हमारा क्या अपोजिट, एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है एक एडजेसेंट साइड होती है, साइड के बारे में एडजेसेंट एंगल, अपोजिट्स साइड हो गई, अपोजिट्स एंगल, इन सारी चीज़ों को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर सीखोगे नहीं तो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ, जो हम बात करेंगे सबसे पहला लेंगे ट्रेपेज़ियम। ट्रेपेज़ियम क्या होता है, स्पेलिंग याद कर लेंगे ट्रेपेज़ियम की, ट्रेपेज़ियम का फिगर कैसे होते हैं, ये देखो एक ट्रेपेज़ियम हमारा ये बना, दूसरा हमारा ये है, हमारा ये इन नाइस्को ट्रेपेज़ियम बोलेंगे, नाइस्को नाइस्को आपको बताया है। ट्रेपेज़ियम क्या होगा, दो पैरेलल साइड होंगी, एक कंपलसरी है, दो पैरेलल साइड होंगी, क्या होंगी दो पैरेलल साइड होंगी। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, इसे ट्रेपेज़ियम बोलेंगे। तो देखो दो पैरेलल लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन से बिल्कुल ऐसे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है, तो इनको बोल देंगे ट्रेपेज़ियम, ठीक है। ट्रेपेज़ियम में कंपलसरी क्या होता है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कंपलसरी है, ठीक है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हमारे क्या है कंपलसरी है, क्या हमारा पेयर ऑफ लाइंस कंपलसरी है, ध्यान रखना मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये दोनों जब तक लाइन नहीं होंगी तब तक वो ट्रेपेज़ियम नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो पैरेलल लाइन है, नहीं है, ये दो पैरेलल लाइन है लेकिन ये लाइन सही है, ये लाइन गड़बड़ कर दी तो ये ट्रेपेज़ियम नहीं है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल एक दूसरे से टच होगी, ये पैरेलल कहाँ से होंगे भाई, ये बराबर होंगे, ये हमारे क्या है इन दोनों के बराबर लाइन है, इन दोनों की लेंथ बराबर है, ये क्या हमारी लेंथ बराबर है, ठीक है। तो आप ट्रेपेज़ियम के फिगर समझ गए, ट्रेपेज़ियम के फिगर आप कैसे पहचानोगे बेटा, मैं वहाँ लैपटॉप लगा तो मैं लैपटॉप की तरफ ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है, ओके बात समझ में आ गई ना। तो अब हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखो मुझे क्या करना है, हमें ये करना कि ट्रेपेज़ियम के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है आइसोलेस ट्रेपेज़ियम, आइसोलेस ट्रेपेज़ियम क्या होता है, दो पैरेलल लाइन भी होंगी और ये दो लाइन टच करेंगे दोनों की लाइन की जो वैल्यू होगी लेंथ जो होगी वो हमारी क्या होगी, आपसे पूछा जाएगा आइसोलेस ट्रेपेज़ियम क्या होता है। आइसोलेस ट्रेपेज़ियम ये होता है कि ए बी ये तो पैरेलल है लेकिन ये जो लेंथ है इन दोनों के बराबर जो होगी ये दिखाई गई, ठीक है। तो अगर आप पूरा ओवरव्यू की बात करें तो इसमें मैंने आपको क्या क्या समझाया, ये तो कोऑर्डिनेटर के बारे में टर्म मैंने समझाए, ठीक है, और क्या मैंने समझाया, आपको बता देता हूँ, एक मैंने साइड के बारे में समझाया है, एक मैंने साइड के बारे टेक्स्ट के बारे में समझाया, डायगोनल्स के बारे में समझाया, अपोजिट साइड के बारे में समझाया, अपोजिट एंगल के बारे में समझाया, ठीक है, अपोजिट साइड ये हमारी अपोजिट साइड नहीं ये अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट्स एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड के बारे में बताया, ठीक है। एक हमारा ट्रेपेज़ियम के बारे में बताया, ट्रेपेज़ियम में खासियत क्या होती है, ये जो दो लाइन है हमारी क्या होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए, बिना पैरेलल के ये लाइन हमारी काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक आइसोलेस ट्रेपेज़ियम के बारे में बताया जो हमारे क्या है दो लाइन पैरेलल होगी और ये लाइन दो बराबर होगी, इनमें क्या देखो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर क्यों नहीं हो सकती, जैसे मैंने एक लाइन ये पैरेलल ही है, ये दूसरी लाइन पैरेलल ही है, तो आप देखो इसको जब पैरेलल कनेक्ट करोगे ना, ये दो पैरेलल इसको जब कनेक्ट करोगे तो ये हमारा ट्रेपेज़ियम ही कहलाता है, ठीक है। आप देखो एक लाइन छोटी एक लाइन, ठीक है, ये क्या हमारे एक ट्रेपेज़ियम है, ठीक है। तो ट्रेपेज़ियम बस इतना ध्यान रखना ऊपर और नीचे की लाइन पैरेलल हो और दोनों जो लाइन है वो सीधी जाए, ठीक है,
उनकी लेंथ कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों की लेंथ बराबर होगी तो मोर क्या आइसोसेलिस ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्लियर? ओके डन, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम एक स्पेशल फिगर और हमारा है काइट। काइट के बारे में सीखेंगे। काइट हमारा क्या है? काइट सीखेंगे। काइट हमारा क्या है? काइट, काइट हमारा क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखना चाहिए। दो लाइनें क्या होनी चाहिए? ये दोनों लाइन बराबर हैं, ऐसी दो लाइनें बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, ठीक है। और फिर दो लाइनें बराबर होनी चाहिए और दोनों को टच करना चाहिए। आप देखोगे ये दोनों लाइन बराबर बिल्कुल ऐसी गई, ये दोनों लाइन बराबर, दो लाइन बराबर हैं ऐसी, इन दोनों दोनों बराबर टच हुई। देखो ये बराबर है, ये बराबर है, ये। अब देखो ये नहीं होगी, ये हमारी काइट नहीं कहलाएगी। काइट के दोनों जब लाइनें होनी चाहिए, जो लाइन मिले हैं, जो एडजेसेंट लाइन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये जो एडजेसेंट लाइन है, मैंने इक्वल बोला है, ये क्या एडजेसेंट लाइन है, ये भी एडजेसेंट लाइन है, तो ये हमारा काइट फॉर्म करेगा। क्या बनेगा? काइट बनाएगा, काइट, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से सीखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी काइट के क्या है, बहुत ध्यान से बेटा देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी काइट की क्या है हमारी? पहली प्रॉपर्टी काइट की क्या है? इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा काइट की क्या है? काइट की क्या हमारी? वन पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल कॉन्करेंट, ठीक है। क्या कह रहा है? आप देखेंगे कॉन्करेंट, कॉन्करेंट एंगल क्या हो जाएगा? ये जो एंगल्स होंगे हमारे, वो हमारे क्या होंगे एंगल? देखो ए बी सी, यानी कि ए डी सी, ये दोनों क्या होंगे हमारे ट्रायंगल, हमारे क्या होंगे कॉन्करेंट। यानी कि दो, अगर इसको कट करो ना, इसको कट करो तो ये कॉन्करेंट फिगर क्रिएट करता है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी, अगर पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी तो ध्यान रखना कॉन्करेंट एंगल्स, सारे एंगल्स हमारे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। देखो ए डी, ए बी बराबर हमारा क्या है? ए बी बराबर ए डी, और बी सी बराबर ये, तो इनको कह सकते हैं कॉन्करेंट एंगल। तो कैसे कौन एंगल ए बराबर एंगल, ए बराबर एंगल वन, एंगल टू बराबर एंगल सी, एंगल एंगल ए बराबर एंगल डी। तो ध्यान रख लो ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा है एग्जैक्टली, मैं आपको बता दूँ। अगर ये कोई काइट है तो ये एंगल हमारे इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी? बोला ए एंगल एंगल बी, बी एंगल टू बराबर एंगल सी, ठीक है। दूसरा हमारा जो डायगोनल्स होगा, काइट या परपेंडिकुलर, ठीक है, जो आपस में जो डायगोनल्स होंगे, जो डायगोनल्स होंगे वो पाए परपेंडिकुलर कट करेंगे 90 डिग्री पे, ध्यान रखना। और ये जो एंगल होंगे हमारे क्या होंगे? बाइसेक्ट ए सी, बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटा प्रॉपर्टी के बता दूं कि काइट अगर आएगी, काइट जो होगी तो उसमें क्या होगी, दो फिगर सेम बनेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। फिगर सेम बनने से क्या होगा, फिगर जो सेम बनेगा एंगल ए बराबर एंगल सी, मतलब एंगल जो एंगल सी के बराबर, एंगल ए बराबर एंगल थ्री के, एंगल टू बराबर एंगल फोर के होगा, ठीक है। इस एंगल को आप गौर से देखोगे ना, ये एंगल दिख रहा ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब ये लाइन एसी जो लाइन है, एसी जो लाइन है, एसी एसी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट क्या करेगी? दोनों को इक्वल भाग में काटेगी, ए और सी को। विशेष ध्यान रखना, जो डायगोनल जो होगा आपस में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। एंगल सी बता रहे जो वर्टेक्स होगा, ठीक है,
जब ये कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। दूसरा काइट का क्या प्रॉपर्टी हमारी क्या है, काइट की दूसरी प्रॉपर्टी काइट की क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, डायगोनल साइज का परपेंडिकुलर, जो डायगोनल जो काटेंगे वो क्या करके परपेंडिकुलर काटेंगे, ठीक है, एट 90 डिग्री, ठीक है। बात हम करेंगे दो चीज़ों के बाद के बात करेंगे, ट्रिपीजियम के बारे में बात कर चुके और काइट के बारे में बात करें, ट्रिपीजियम के बारे में बात कर चुके, ठीक है, और काइट के बारे में, ठीक है। तो बात करेंगे पेनलोग्राम की, ठीक है। पेनलोग्राम ही स्पेशल हमारा ट्रिपीजियम, एक ट्रिपीजियम ही है जिसे हम पेनलोग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो हमें बताइए बेटा, ये दो लाइन है, दो पैनल लाइन है, ठीक है, चाइने पैनल मानो घुमा फरा के वो ट्रिपीजियम ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैनलोग्राम, अपोजिट साइड जो होंगी पैनलोग्राम की, ये जो साइड है ये साइड इसके बराबर, यानी ए बी बराबर डी बराबर बी सी, ये हमारी क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दिख ही नहीं रहा होगा बेटा, दिख ही नहीं रहा होगा, गलती कर रहे हैं इसको, पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई पैनलोग्राम बनाया है, पैनलोग्राम बनाया हमारा, ये हमारा क्या, ये पैनल इसके पैनल है, ये इसके पैनल है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, और ये साइड हमारी इसके बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो ए बी सी डी, ठीक है, अपोजिट साइड आर पैनलोग्राम आर इक्वल, ठीक है, इक्वल हमारी पैनलोग्राम है, ठीक है, है आप आराम से देख लेना, ठीक है। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट हमारा है कि हमारी जो साइड हमारी क्या है पैनल, या कह सकते यहाँ मैंने कहा रखा है कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये पैनल है, ठीक है। जैसे हमारी साइड हमारी नहीं दिख रही, नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैनल इक्वल, अपोजिट जो पैनोग्राम में जो एंगल्स बनेंगे ना, ठीक है, जैसे ये एंगल्स बनेंगे एक दो तीन चार, यानी एक दो तीन चार, ठीक है, एंगल टू के बराबर, ये प्रॉपर्टी क्या रखा है, प्रॉपर्टी क्या रखा है कि इसमें कहा है कि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल सम्स आर सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल है मतलब ये जो एंगल्स होंगे, ये जो एंगल्स होंगे वो क्या कह रहे होंगे, सप्लीमेंट्री, यानी एंगल फोर को ऐड करें एंगल वन को ऐड करें क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा बेटा, ये मत सोचना कि इनका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी फोर, जो हमारे डायगोनल्स होंगे आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जो बाइसेक्ट ये और ये और ये, ये दूरी ये इसके बराबर, ये बराबर इसके बराबर, आपस में दूरी को इक्वल काटेंगे, देखो ये कहा है ओ ए बराबर सी ओ, ओ डी बराबर बी सी, आराम से काट लेंगे, क्लियर, ठीक है। तो चार ही प्रॉपर्टी हैं अकॉर्डिंग टू द पैनलोग्राम, ठीक है, पैनलोग्राम। अगर पूरी वीडियो के एंड अगर हम बात करें, ये हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ से फिर एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आप पढ़ेंगे और करेंगे, बस प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना था। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटर की बात करी, सबको हटा दें, सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, क्वाड्रिलेटर के बारे में बात की, ठीक है, क्वाड्रिलेटर, ठीक है, क्वाड्रिलेटर में क्या होने चाहिए, वर्टेक्स एक्स्ट्रा सारा सा, सबसे उसके बाद हमने ट्रिपीजियम मैंने क्या है, ट्रिपीजियम के दो साइडें ऊपर नीचे क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, जो बाकी दो साइड है वो तो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो सीधी साइड है इक्वल है आप दोनों दोनों तो आइसोसेलिस ट्रिपीजियम। फिर काइट के बारे में बात करी, काइट के बने एडजेसेंट साइड जो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए,
और जब दोनों मिलेंगे, दोनों जो आमने सामने एसी जो होगा, एसी जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ए और सी एंगल को, ठीक है, इक्वल पर, ठीक है। उसके बाद जो डायगोनल्स उनके बाइसेक्ट किस पे करेंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। पहले क्रम में पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कही, आमने सामने की जो साइड है हमारी इक्वल होंगी, दूसरा अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तीसरा मैंने क्या कहा है, जो हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, एक साइड पे दो एंगल जो बनेंगे ना वो हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट होंगे, यानी 180 होंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो डायगोनल्स कट करेंगे वो क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, आपस में क्या होंगे, लाइन को इक्वल ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये पूरा हमारे चैप्टर में पूरा था, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करें, कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर सकते हैं, ठीक है।